أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. किस्मत से जो मैं तेरा ज़माना पाता आका, किस्मत से जो मैं तेरा ज़माना पाता आका, तेरे कदमों में मैं जान अपनी लुटाता आका, और तू जो मेरे घर और मेरी मस्जिद आया होता, मस्जिद आया होता, कौन आया है मैं किस को बताता आका, और आखिरी आरज़ू भी मेरी पूरी होती, तेरे कदमों में मैं जान अपनी लुटाता आका. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लि अलैहि. मुख्तसर हम्दो सनाद बाद दुरूदो सलाम आकाए दो जहां रहमत कौनैन पैगम्बरे रहमत कुल हादिये सुबुल खातिमुर रसुल पैगम्बरे आज़म इमाम आज़म मुफ्ती आज़म हकीम आज़म तबीब आज़म सलार आज़म रहबर आज़म आला हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ात वास्ते जी वक़ार उलमाए कराम बुज़ुर्ग दोस्तों अजीज़ों, दुआ है अल्लाह अपनी रज़ा रहमत वास्ते अपनी खुशनुदी वास्ते सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अपने राज़ी होने वास्ते साड़ा मिल बैठना कबूलो मंजूर फरमाए. जिन अहबाब ने आज इस अजीम शान कानफ्रेंस का इनेकाद किया है, हाजी अशरफ साहब, भाई राना अमजद साहब, दीगर रुफाका, अल्लाह सब दियाँ मेहनत काविशान अल्लाह कबूलो मंजूर फरमाए. बिलखसूस अल्लाह तुहाडा बैठना अपनी बारगाह दे अंदर मकबूलो मंजूर फरमाए. कह दियो आमीन. वो लंबा चौड़ा नहीं, इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर जे वक़्त अंदर कोई चंद बातां दस करके तुहाडे सामने अर्ज करके इजाज़त चाहांगा। अल्लाह कोलों दुआ है जो बयान करा जो तुसी अहबाब सुनो, अल्लाह सुन सुना के अमल पैरा होने दी भी तौफीक अता फरमाए। इत्थे जितने लोग बैठे हो इहदे नालों कई गुना ज़्यादा लोग साढ़े भाई यासर साहब अपने चैनल ते इस प्रोग्राम चला करके लोगों तक पैगाम पहुँचाएंगे, दूर तक पैगाम जाएगा। अल्लाह के गुजारिश है, दुआ है कि अर्ज़ है कि साड़ियाँ ए बातां अल्लाह दे हुजूर पहुँचन, अल्लाह राज़ी होए कि बंदे इस मस्जिद अंदर बैठ करके मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। बंदा जमीन ते बैठ करके लोगों के सामने अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह आसमाना ते मुकर्रब फरिश्तियां दे अंदर अल्लाह तुहाडा जिक्र करता है। अल्लाह साडा शुमार ही ना लोगों के अंदर करे। जो बात में अर्ज़ करने दे इरादे नाल खां के पैगंबर अलैहिस्सलाम दे हकूक दे अंदरों एक हक यह है कि नबी अलैहिस्सलाम दे नाल मुहब्बत की जाए और पूरी पूरी मुहब्बत की जाए, और मुहब्बत इंज दी होए कि सारे जहान नालों ज्यादा अगर कोई महबूब होए तो आमीना दा लाल सानू महबूब होए। फरमाया कुल तुम तो हिब्बू लाड पैगंबर जवानियां माने मेरा सुखना ते मेरा दुलारा पैगंबर, 14 तबका दा कल्ला इमाम पैगंबर, सारे कायनात दा चमनस्तान मेरा पैगंबर, सारे चमनस्तान दा कल्ला फुल्लो मेरा पैगंबर, सारे फुल्लां दी कल्ली खुशबू मेरा मुहम्मद सल्लल्लाहु। बोलो भाई सल्लल्लाहु, भाई इको बरखाओ इको जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया अगर चाहते हो अल्लाह अल्लाह नाल मुहब्बत करने वालों, फरमाया महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल भी मुहब्बत करो, अकीदत रखो, मुरब्बत रखो, अल्लाह दे नबी नाल प्यार करोगे तो मिलेगा कि मिलेगा कि। फरमाया अल्लाह तो तुहाडे सारे गुनाहां नू मिटा करके रख देगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक बदवी बंदा देखाती जहा बंदा मेरे पाप पैगंबर अलैहिस्सलाम दी खिदमत अंदर आया, आ करके अर्ज़ा कर दे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, हुजूर कयामत कदों आएगी, कयामत कदों आएगी। मेरे पाप पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने माँ आदत तलका खो, सवाल करने वाले तैयारी की थी खै, कयामत दा पुछने वाले मैनू दस तैयारी की थी खै। आज हुजूर मेरे कोलों नमाजां दी कसरत मौजूद कोई ना, हुजूर मेरे कोलों रोज़ियां दी कसरत कोई ना, मगर बात इको इको सोने बात इको है हुब्बुल्लाहि व रसूली। मैं अल्लाह नाल मुहब्बत करने वाला ते अल्लाह दे नबी नाल मुहब्बत रखने वाला। अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया अंत मामन अहबबता, फरमाया मेरे पाप पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जेड़ा बंदा दुनिया ते जिदे नाल मुहब्बत करने वाला होएगा, रोज़े कयामत ओदे नाल ही उठाया जाएगा, रोज़े कयामत ओदे नाल ही ओदा अंजाम होएगा। ओ लोगो सुनो जरा बात वजह नाल जवात मैं अर्ज करने दे इरादे नाल अज प्यार कर शराबियां नाल अंजाम शराबियां नाल होएगा। अज अकीदतां पा जवारियां नाल अंजाम उन्हां नाल होएगा। अज अकीदत दे डीपू बनाओ गुस्ताख सखाबा नो उन्हां बेईमानां दे नाल अंजाम होएगा। जे मुहब्बत पाएगा उलमा नाल ते अंजाम इन्हां नाल होएगा। यार अकीदत रखेगा ओ मेरे सिद्दीक नाल मेरे फारूक उस्मान ज़िन्नूरैन नाल ते यारो अंजाम उन्हां दे नाल होएगा। ते याद रखो अल्लाह अकबर जिथे मेरा नबी नजर आएगा उत्थे मेरा सिद्दीक फारूक नजर आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नो बोलो वीरे रजी अल्लाह तआला ओ बरहा सूफी साउंड वाले को बरखा अल्लाह तेनू जदा देवे। अल्लाह अकबर। फरमाया हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने मैं पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां बड़ियां हदीसां सुनियां बड़े फरमान सुने। मेरे महबूब दा हर फरमान निराला हर फरमान अजमता वाला हर बात मुकाम शान वाली। मगर जदों मैं पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस फरमान सुन लिया अल्लाह अकबर खुशियां दा ठिकाना ही ना बचया। क्यों असी दुनिया दे अंदर सारे आँख नालों ज्यादा मुहब्बत रखी है ते आमिना दे लाल ना रखी है। सहाबा की ते हुजूर नाल रखी। सहाबा प्यार कीता ते आमिना दे लाल नाल प्यार कीता। सहाबा प्यार पाया अब्दुल्ला दे लखते जिगर नाल प्यार पाया। ते प्यारे अनस रजी अल्लाह तआला फरमांदे हैं कि मेरे को हजरत सिद्दीक अकबर जैसे अमल ते कोई ना, प्यारे फारूक आजम जितने अमल ते कोई ना, मगर मैं सोने सिद्दीक नाल मुहब्बत कर वाला, मैं प्यारे फारूक नाल अकीदत रखने वाला। ते हदीस सुन करके मैनू इत्मीनान हो गया कि जिथे मेरा नबी होएगा उत्थे सिद्दीक होएगा उत्थे फारूक होएगा। ते जिथे फारूक होएगा उत्थे ओदे नाल मुहब्बत करने वाला मैं अनस भी होवांगा। इंशाअल्लाह उत्थे असी गुनाहगार भी होवांगे। कहो ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि والناس أجمعين। बंदा उदों तक मोमिन नहीं बन सकता, मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता। कदों तलक? फरमाया जदों तक वह बंदा अपने माल नालों ज्यादा, अपने रिश्तेदारां नालों ज्यादा, अहलो अयाल नालों ज्यादा, अपनी ख्वाहिशात नालों ज्यादा, यार अपने खानदान नालों ज्यादा, सारी कायनात नालों ज्यादा दे दिल अंदर जदों तक आमिना दे लाल दी मुहब्बत नहीं आएगी उदों तक वह बंदा मोमिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यार ऐ ते साड़ी मजबूरी है। लोग ताने देंदे खन जिया बुजुर्गां नूं नहीं मनदे, वलियां नूं नहीं मनदे। ओ यार कोई बेईमान होएगा जरा अल्लाह दे वलियां नूं ना मनन वाला है। मगर यार असी ओ लोग मेरी जमात मरकजी जमीयत दायरे हदीस पाकिस्तान दा मनखज की है। असी आखने खां इमाम अबू हनीफा दी इज्जत अपनी जगह है, इमाम मालिक दा मरतबा अपनी जगह है, इमाम शाफई दा मरतबा अपनी जगह है। मगर हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। क्यों क्यों क्यों? हथां नूं उठा करके भाई जरा जोश नाल की हो थक गए जे ए खुदा दोवें हथां नूं उठाओ तुसी सारे भी जिंदाबाद। फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह ला सुनो जरा मुहब्बत नाल हजरत साद रजी अल्लाह तआला सौण वाले अल्लाह तेनू जदा देवे। हजरत साद रजी अल्लाह तआला घरे तशरीफ ले करके आए ते आ करके वेदे ने बुढ़ी माँ धुप्पे बैठ गई है। हजरत साद ने माँ अम्मी अम्मी जी अंदर आ जाओ। माँ मेरी ये खाना खा ले धुप्पे क्यों बैठी है? ते माँ जी वे साद मैं सुनया है तू कलमा पढ़ लिया है। जी अम्मी जान मैं कलमा पढ़ लिया है, सोने नबी ते ईमान ले आया खां। अल्लाह अकबर कबीरा तेरी माँ आखदी है सैयदना हजरत साद दी माँ आदि वे साद कलमा छोड़ दे, कलमा छोड़ दे, नहीं ते भुखी तरफ तरफ करके मर जावांगी मगर अंदर नहीं आवांगी। साद कलमा छोड़ दे। हजरत सादात ने ना माना ना पैनू तू बड़ी अजीज है मगर हर शह नालू अजीज मैनू आमिना दा लाल है। मां मां खंदर आ जा ना साद मर जावांगी। ते साद नू मां धमकियां दे रही है मरन दियां के नबी दा साथ छोड़ दे। ते हजरत साद फरमांदे ने आदने साद के ओ सुन माली मेरी तू सो वारी मर जावे, सो वारी मोर जिंदा खोवे मैनू कलमा परदिया पावे। हजरत सादात ने मामा तुआनिए मर जावांगी, मैं सादा ईमान ते इतना मजबूत है। मां तू एक बारी मर करके जिंदा खोए साद नू कलमा पढ़दियां पाएंगी, दो बारी दस बारी सौ बारी मर करके जिंदा खोए ते साद तेनू नबी दा कलमा पढ़दियां नजर आएगा। हजरत साद फरमांदे होणगे आदे ने ला झड़ियां जिवें मेरे उस्ताद लाया करते सन। आदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पर ना ना माना कलमा नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोग कलम तेरे हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो सुनो मेरे वीरो, सुनो बुजुर्गो जवाना, ग़ज़वा-ए ख़ुद दा वेला आया जदों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते अल्लाह अकबर मेरे नबी दे लश्कर ते कुफार हावी होंदे दिखाई दित्ते ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे इर्दा गिर्द मेरे नबी दे सहाबा आ गए। हज़रत अबू तलहा भी आ गए। इधर दुश्मन वार कर रहे ने, हज़रत अबू तलहा अपना हाथ अगे कर रहे हैं, नेज़े चल रहे ने ते मेरे नबी दे सहाबी अपनी छातियां अगे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा ते इवें वार चलते रहे। हज़रत अबू तलहा दा हाथ ते अल्लाह अकबर हाथ शाल हो गया, 70 जख्म प्यारे अबू तलहा दे जिस्म से आ गए, हाथ शाल हो गया। क्यों अबू तलहा क्यों मेरे नबी दे सामने आ गया? आदन की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर ऐसे ग़ज़वा दे अंदर यारो अफवाह उड़ गई के सोने नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, शहीद हो गए। एक औरत ने सुना ते दौड़ लगाई ओ मदीना, ओ ख़ुदे मकाम अंदर दौड़ दी खयारी खे। यारो ईमान वाले ओ कोई आम औरत नहीं खे, इस जंग दे मैदान अंदर ओदा बाप भी मौजूद, ओदा वीरा भी मौजूद, ओदा बेटा भी मौजूद, ओदा शोहर भी मौजूद है। ते एवें ख़ुदे मकाम अंदर यार खुदा दा नाम जे जरा तसव्वुर अंदर जा करके सोचया जे, सुनया जे जरा तसव्वुर अंदर जा करके ते आई ख़ुदे मकाम अंदर ते एवें ठूंड रही मुतलाशी नजरा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम नो। ते बंदे कोल आया नहीं आ रहा, दिनारिया दिनारिया तेरा बाप शहीद हो गया। आदि वे हट जाओ, मैं अपने बाप दा नहीं पुछदी, मैनू दसो फातिमा दे बाप दा की हाल है। खैर ही खैरां ते अगे टुर गई है। और बंदा आया, दिनारिया 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 तेरा वीरा भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, आदि मैं अपने वीर दा ते नहीं पुछदी, मैनू दसो शीमा दे वीर दा की हाल है। अगे बढ़ गई, एक और बंदा आया, आदे दिनारिया 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 तेरा शोहर भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, आदि वे मैं अपने शोहर दा नहीं पुछदी, मैनू दसो आशा दे शोहर दा की खाल है। खैर खैते एवें दौड़ दी जा रही है। और मिलने वाला मिलया, आदे दिनारिया तेरा बच्चा भी शहीद हो गया। वज्जी कलेजे सट से बोल दिए अल्हम्दुलिल्लाह, किसे के आ माई बच्चे तेरे ओना शहादत पाई। कहन लगी अल्हम्दुलिल्लाह होया ए फजल इलाही, कैसी करी मुबारक खुशी जिस दे अंदर जाए। अल्लाह दिते मैं चा पाले, अल्लाह दिते मैं चा पाले, अज कम नबी दे आए। अल्लाह अकबर, ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम नजर आ गए। अल्लाह अकबर, तरफ करके वे दिए मेरे नबी। फरमाया नबी शोर भी शहीद हो गया, बाप भी शहीद, वीरा ते बेटा भी। आदि हुजूर हुजूर गमा दे पहाड़ ते टूट गए, मगर हुजूर जदों तो खाटे चेहरे अनवर दियां ज़ियारतां कीतियां। कुल्लू मुसीबतिन बाद का जललो बाद का जललो बाद का जललो, हुजूर सारे गम मिट गए तुहानू वेख करके। ओए अल्लाह वाले हो जे दुनिया ते अजमाइशां मिल रही कर मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी शान बयान करदियां तकलीफां आ रही कर। अगर सुन्नत ते चलदियां ताने मिल रहे खन घबराया ना करो क्यों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम रोजे कयामत नू कोल पिला करके अपने खतों तेनू हौजे को सरदा जाम नसीब फरमान गे। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन नासि अजमईन। बस आखिरी मिनट खैर मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत तकाजे सुनने वालों। एक रोज़ मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी अंदर मौजूद खल्ला मस्जिद नबवी दियां ज़ियारतां नसीब फरमाए। कह दो आमीन, बुलंद आवाज न कहो आमीन। छोड़ चलो घर बार मदीना चलते हैं। यार ये ठंडी कौम क्यों है भाई, जरा बुलंद आवाज ना कहो सुबहान अल्लाह। मैं तो नहीं आख्या हर इशार ते मैनू 1000 का नोट दो कोई सुबहान अल्लाह ते आख सकते हो ना, कहो फिर सुबहान अल्लाह। जरा चुप बैठना चाहते 1000 ले आई जे तो चुप बैठ जाए, नहीं तो बुलंद आवाज ना कहो सुबहान अल्लाह। जन्नत अंदर दरख्त बोलोगे इंशाल्लाह, कहो सुबहान अल्लाह। छोड़ चलो घर बार, छोड़ चलो घर बार मदीना चलते हैं। छोड़ चलो घर बार मदीना चलते हैं। जहाँ के मस्त बहार मदीना चलते हैं। जहाँ के गर्मा है शाका को सुभान अल्लाह। इस नोट तेरी सुभान अल्लाह। उलमा को लाना कोई सौखी बात नहीं है, मोहब्बत कर देने अल्लाह इन्हां दी मोहब्बत कबूल फरमाए। जहाँ है घर माँ ऐशा का, जहाँ है घर माँ ऐशा का, चलो करें दीदार मदीना चलते हैं। छोड़ चलो घर बार मदीना चलते हैं। और अबू बकर उमर की शान देखो, अबू बकर उमर की शान देखो, साथ नबी के हैं यार मदीना चलते हैं। छोड़ चलो घर बार मदीना चलते हैं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी अंदर मौजूद ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजलिस इजलिस या सहाबा, सहाबा बैठ जाओ बैठ जाओ। को मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सामने मौजूद ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे प्यारा सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला एवं मस्जिद अंदर दाखिल हो रहे। एक कदम बाकी रहे ते एक मस्जिद अंदर गए, कान दे अंदर आवाज़ पै गई ते प्यारे अब्दुल्ला उस जगह ते बैठ गए। ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वेख्या मेरा अब्दुल्ला जुतियां वाली जगह ते ही बैठ गया है। फरमाया ओह मेरे अब्दुल्ला खब्दुल्ला, ओ मेरे खब्दुल्ला क्यों बाखिर बैठ गया है। हुजूर तुसी फरमाया इजलिस ते मैं बैठ गया। फरमाया ना ओ मेरे अब्दुल्ला मैं तीनों ते नहीं फरमाया, अंदर खाजा अंदर आ जा यार वेख मोल पैन लगा के मुहब्बत दा। यार इनू आखदे खन मुहब्बत दे तकाजे, इनू आखदे खन नबी अलैहिस्सलाम दी इताअत फरमा बरदारी। प्यारे अब्दुल्ला बिन मसूद एवें घुटनियां ते बाल चल करके अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। फरमाया अब्दुल्ला उठ करके क्यों नहीं आ रहा है। आदे ने हुजूर तुसी अगे आने दा हुक्म दिता है, उठने दा हुक्म नहीं दिता। नहीं बात समझ आई ना। फरमाया नहीं हुक्म दिता ते तुहाडे हुक्म तो बगैर अब्दुल्ला अपनी जगह तू उठ भी नहीं सकदा है। इहदे बारे फरमाया फरमाया ला युमिनु अहदुकुम अत्ता अकुन अहब्बा इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नास अजमाईन। जान मेरे हुजूर मनना पएगा जरूर, कोई नहीं ओदी शान दा। छुट्टन लगी है जान को सुभान अल्लाह, जान छुट्टन लगी तो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों भाई कारी साहब फरमा रहे ना ठंडे बंदे जरा बुलंद आवाज ना नारे का जवाब दो भाई। नारा ए तकबीर, बुलंद आवाज ना नारा तकबीर, अल्लाह दी शान दा नारा है। फिर बुलंद आवाज नाल जवाब दो नारा तकबीर। क्या बात है सुभान अल्लाह। जान मेरे हुजूर मनना पएगा जरूर, कोई नहीं ओदी शान दा। मेरी अखियां दा नूरो नूर मेरी अखियां दा नूरो मेरे दिल दा सुरूर, कोई नहीं ओदी शान दा। और उस दी जुत्ती तू पग में वारा अजे ना हक अदाई। सारी जमात खैश कबीला नालो बैणा भाई। अजे लत्था नहीं जाओ मेरे सोने वीरा, कोई नहीं ओदी शान दा। और नात नबी दी पढ़दा जेकर मैं मर जावां यार मौत आनी है। कोई हार्ट अटैक नाल मर जावे यार, कोई शराबा पींदा मर जावे, कोई रोड हादसा दे अंदर मर जावे, मगर ओ मौत कितनी अजीम है जेड़ी अल्लाह अल्लाह करदियां आए ते मेरे नबी दी नात पढ़दियां आ जाए। नात नबी दी पढ़दा जेकर मैं मर जावां, कसम खुदा दी 100 बारी रब दा शुक्र मनावां। बनकारी दी गल खोवे रब दा फजल, कोई नहीं ओदी शान दा। इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।